दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आपके सामने बेहद शानदार अपार्टमेंट जो कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, दिल्ली मनाली हाईवे के ऊपर 2 BHK हमारे अपार्टमेंट रहेंगे यहाँ पर, और रोड आपकी काफ़ी वाइड यहाँ पर हमें मिलने वाली है। और इसके साथ एक ख़ास चीज़ और है कि हमारे सामने जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी सिर्फ बैक है, तो हमारी रोड वाइड होने का मतलब ये भी कि हमारे पास जो पार्किंग है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो 2 BHK अपार्टमेंट हमारे आज के रहेंगे, गेटेड सोसाइटी, प्रॉपर हमारी CCTV कैमरास के साथ, सिक्योरिटी के साथ। और फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट एलिवेशन तो आपका बहुत अलग डिज़ाइन नहीं होगा, थोड़ा सिंपल है लेकिन ब्यूटीफुल है, मतलब कि खर्चा कम है। आने वाले टाइम में आपको जो मेंटेनेंस होती है वो बड़ी कम रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके कॉरिडोर में आपकी सारा का सारा ग्रेनाइट लगा रहेगा, सामने पार्किंग आपको पूरी आ जाती है गाड़ी के लिए। मोटर के लिए आपको यहाँ पर अलग से स्विचेस और पाइप्स आपको मिल जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हमारे पास ग्रेनाइट की स्टेयर्स मिलेंगी और साथ में आपका स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। और ठीक इस तरफ हमारे मेन एंट्रेंस डोर और एक कॉरिडोर में हमारे पास 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे यहाँ पर। यह सबसे ख़ास चीज़ है, पूरा सनमाइका आपका लगा होगा, एक अच्छा डिज़ाइनर डोर हमें यहाँ मिल जाता है, काफ़ी हैवी है। और हाइट देखें आप, बिल्कुल 8 फीट की हाइट है, बजट वाले घर के अंदर भी काम आपको पूरा मिलता है। तो खोलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा नज़ारा है। और ओपन करते ही हमारे पास एक शानदार सा हमारा ड्राइंग एरिया, स्पेस काफ़ी अच्छी डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस तरफ हमारे पास ड्राइंग एरिया आ जाता है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, सीलिंग पर पूरा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, LED लैंप्स आपको पूरे मिले हुए लगे हुए हैं, वॉल सीलिंग पर पूरा डिज़ाइन है, एक तरफ वॉल पर आपको वॉलपेपर यहाँ नज़र आ जाता है, ताकि आपका जो सोफ़ा सेट यहाँ पर रखे उसके बाद जो लुक है वो एक अलग ही तरह की आए। नहीं, बजट के घर में भी अगर आपको इतना कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपका फ्रेंड अगर कोई आता है घर में या कोई रिलेटिव आता है तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिए बिना नहीं जाएगा। और थोड़ा इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास डाइनिंग एरिया आ जाता है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है। आपका इजीली जो होता है 6 सीटर सोफ़ा वो भी यहाँ पर लग जाएगा, माफ़ी चाहूँगा कि आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल वो यहाँ पर आराम से लग जाएगा। उसके बाद भी स्पेस हमें यहाँ पर पूरी मिलने वाली है। और ठीक इस तरफ स्टोर है, स्टोर पर फिर आते हैं, उससे पहले हम आते हैं अपनी किचन की तरफ। एल शेप में हमारी किचन मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काउंटर टॉप आपका पूरा ग्रेनाइट का यहाँ मिल जाता है हमें। इसके अलावा जो हमारे पास नीचे रैक्स हैं, काफ़ी हैवी मटेरियल है यहाँ पर। देखिए हैवी का मतलब ये हो जाता है कि आप किस चीज़ जो है वो सालों साल चलने वाली होती है, और सारी के सारी डबल लेमिनेशन है, प्लाईवुड अच्छी लगाई गई है, आप यहाँ से नज़र लगा सकते हैं। यहाँ पर भी टेपिंग नहीं हुई है तो समझ आता है यहाँ पर कि प्लाई अच्छी लगी हुई है। ठीक इसके इस तरफ आपको गैस पाइप भी नज़र आएगी, जिसका जो कनेक्शन बाहर की तरफ रहेगा। और पूरे यहाँ पर आपको टाइल्स का एक अच्छा सा डिज़ाइन दिख जाएगा जो कि फ्लोर्स के टेक्सचर में आ जाता है। ऊपर पूरी प्रॉपर हमें स्पेस मिलती है हमारी चिमनी लगाने के लिए। और ठीक इस तरफ जो है हमारे कैबिनेट्स, ताकि आपके जितने भी जार्स हैं वो आराम से यहाँ पर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी। ठीक ऐसे ही इस तरह भी हमें मिल जाते हैं। बड़े बड़े कैबिनेट्स होने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जितना सामान रखना चाहते हैं उतना रखिए, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ऊपर आपको जो मिलेगा एग्जॉस्ट का चिमनी का मिल जाएगा, और प्लस आपको ये गीज़र के मिल जाएंगे पॉइंट्स, RO के लिए अलग से पॉइंट मिलेगा, डबल सिंक, डिज़ाइनर टैप्स हमारी सारी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक सामने आपकी खिड़की, और आप देख सकते हैं सनलाइट कितनी ज़्यादा यहाँ पर अंदर आ रही है। तो बहुत सारे जगह पर एक शिकायत होती है कुछ लोगों की कि सनलाइट नहीं आती अपार्टमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास सनलाइट बहुत है, हमें उसे रोकने के लिए बिल्कुल सामने हल्का सा पर्दा करना पड़ रहा है, वरना मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फिर सारी लाइट जो होती है कैमरा में ही जाती है। और ठीक इस तरफ हमारा स्टोर आ जाता है, बहुत बड़ा स्टोर नहीं कहूँगा लेकिन ओके साइज़ है आपका 4x5 का, ये बजट घर के अंदर छोटे साइज़ के अंदर अगर इतना मिल जाता है तो वो अच्छी बात है। ठीक इस तरफ हमारी जो है रनिंग बालकनी हमें मिल जाती है, एक अच्छा साइज़ है बालकनी का, और यहाँ से आप देख सकते हैं खिड़की हमारी जो है बड़ी बड़ी है, और एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो इस डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो खर्चा है
आने वाले टाइम में वो कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पेंटिंग का खर्चा है। अगर आप 3-4 साल बाद एक पेंटिंग करवा लेते हो तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। और इससे ज़्यादा हम चाहते भी नहीं है कि हमारे घर में कोई और खर्चा भी आए। ठीक, यहाँ पर हमारे जितने भी इंटरनल आउटर डोर रहेंगे सारे के सारे 8 फीट के रहेंगे, काफ़ी अच्छे साइजेज हैं, सारे के सारे फ्लश डोर रहेंगे हमारे, और चौगाड़ जितनी भी रहेंगे वो आयरन की रहेंगे ताकि आपके कभी भी जो टर्माइट वाली प्रॉब्लम है वो कभी आपको नज़र ना आए। और ठीक, यहाँ पर हमारा बेडरूम एक अच्छे साइज, सीलिंग पर अच्छा डिज़ाइन, सारा प्लस माइनस मिलेगा आपको POP में। अंदर आपको फॉल सीलिंग नहीं मिलने वाली क्योंकि बजट वाले घर हैं और हाईवे के ऊपर है तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी अच्छी वार्डरोब्स आपको यहाँ मिल जाती है स्लाइडिंग के अंदर, डबल लैमिनेशन रहेगी सारी की सारी आपकी ऊपर नीचे इधर उधर, और हल्का सा स्लाइड कीजिए आप आराम से बंद हो जाती हैं। जब हमने तकरीबन देखा है जब आप हाईवे के ऊपर कोई घर लेते हैं तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपके बजट का पूरा ध्यान रखा गया और उसके साथ क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि हम रिपेयर ही कराते रह जाते हैं। और ठीक, आपका बेड लगने के बाद ठीक सामने यहाँ पर TV पैनल, वो भी एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया है नीचे स्टोरेज के साथ, नीचे बूट भी लगाए गए हैं और एक बड़ा सा TV पैनल आपको मिल जाता है यहाँ पर, एक अच्छी लुक आती है। आपके बेड लगाने के बाद भी आपके पास स्पेस पूरी रहेगी और चीज़ आपको पूरी मिल जाएगी, स्पेस यहाँ ऊपर आपको पूरी मिलेगी। ठीक, यहाँ पर आपका जो है वॉशरूम और इस तरफ आपका वॉशिंग एरिया, इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन रखिए, यहाँ पर धोइए सुखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी अच्छी स्पेस। और ये ठीक यहाँ पर आपके सेकंड बेडरूम की खिड़की, तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा सेम साइज़ का, सेम डिज़ाइन के साथ, सीलिंग पर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन आपको मिलेगा यहाँ पर, और खिड़की हमें यहाँ पर बड़ी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर डोर नहीं है, और आपको एक लुकिंग मिरर यहाँ पर हैंडसम सा मिल जाएगा। वार्डरोब हमें यहाँ भी पूरी सीलिंग की हाइट तक की मिलती है, यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी, एक अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ पूरा मिल जाएगा। ओपन कीजिए, हल्का सा स्लाइड कीजिए, पूरी स्टोरेज का ध्यान आपका रखा गया। अगर 2 स्लैब ज़्यादा लगा दें तो आपकी जो अलमीरा उसमें स्पेस पूरी कवर हो जाती है, और यहाँ पर आप जितने भी वो हैंगिंग वाले हैं वो यहाँ पर रखें, दूसरे जो फोल्डिंग है अगर आप फोल्ड करके रखना चाहते हैं, यूजली जैसे पैंट्स होती हैं हमारे ट्राउज़र्स हैं वो आप एक तरफ रख लीजिए। ठीक, यहाँ भी हमें पूरा TV पैनल मिलता है एक अच्छा डिज़ाइन के साथ, साइड पर भी आपको देखें अलग से दिए गए हैं, आप इसलिए यहाँ पर भी कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं आराम से, अच्छी लगेगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही अलग डिज़ाइन दिए गए हैं, एक सिंपल डिज़ाइन है, सॉबर सा डिज़ाइन है, जो रहने वाली चीज़ होती है वो है। अगर आपको लगता है वॉलपेपर चाहिए तो लग जाएगा, अदरवाइज़ ये सिंपल चीज़ होती है जो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वॉशरूम, माफ़ी चाहूँगा मैंने पहला वॉशरूम आपको अच्छे से नहीं दिखाया, तो ये सेकेंड आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ से टाइल्स के कलर बहुत अच्छे हैं, एक अच्छा डिज़ाइन आपका यूज़ किया गया है, जैगुआर की फिटिंग आपको यहाँ पर मिलती है सारी के सारी, और डिज़ाइनर सिंक आपको मिल जाते हैं। जो आपका बजट है उसके अंदर हमने बहुत रेयर होगा कभी ऐसी चीज़ देखी होगी, यूजली हमने एक ही चीज़ देखी है कि आपके सिंपल सी आपके सिंक लग जाती है, सिंपल सी सीट लग जाती है और काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ क्वालिटी मिल रही है एक अच्छे बजट के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2BHK विद स्टोर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस घर को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप इस घर को देख सकते हैं। इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।